लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। औलाद की सूरत देखने के लिए मन की आशा का चिराग कभी नहीं बुझता। आज सावित्री मिली थी, कह रही थी एक बाबा आए हैं, करा उनके दर्शन। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? एक एक शब्द सुन रहे हैं। कौन हो तुम? राम सिंह? किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है जी साहब, मैं आप ही से मिलने आई हूँ। क्या बात है? मैं ये पूछने आई हूँ, मुझ अभागन और इस बच्चे का क्या दोष था जो हम दोनों को भी इस दुनिया में दर दर की ठोकरी खाने की सजा दी आपने? लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई। नहीं जज साहब, मैं आपको पहचानने में बिल्कुल भूल नहीं कर रही हूँ। आप ही हैं जिसने मेरे साथ इस मासूम को भी जीते जी मार डाला है। ये तुम क्या कह रही हो, हम तुम्हें जानते भी नहीं। मैं उस आदमी की पत्नी हूँ जिसे भरी अदालत में आपने उम्र कैद की सजा दी है। तो तुम बलवंत की पत्नी हो। देखो, कानून की रूह से उसका जुर्म साबित हुआ, बहुत वेश्याना कत्ल किया था उसने, इसलिए कानून ने उसे ज्यादा से ज्यादा सजा दी है। मगर उसे सजा देते समय आपका कानून ये क्यों भूल गया कि ये सजा केवल उसे नहीं बल्कि उसकी बेसहारा पत्नी और इस मासूम को भी भुगतना पड़ेगा। यही याद रखना तुम्हारे पति का फर्ज था। जुर्म करने के आवेश में आने से पहले किसी भी इंसान को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी सजा के अंगारे उसके परिवार वालों पर भी गिरते हैं। मैं यही कहने आई हूँ जज साहब, इन अंगारों को चिता क्यों नहीं बना देता आपका कानून, जिस पर मैं अपने बच्चे के साथ लेटकर हमेशा के लिए राख हो जाती। तुम गलत सोच रही हो बहन, कानून ने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया, ये किस्मत है जो ऐसे खेल खेल रही है। मगर इस खेल में इस बच्चे का क्या होगा? हिम्मत मत हारो, तुम जैसी इस दुनिया में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो बिना बाप के बच्चों की अपने आप पर परेश कर रही हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं, एक मुजरिम बाप की औलाद का बोझ एक मुजरिम आदमी की पत्नी के लिए आपसे भी बदतर होता है। तुम शायद ठीक कह रही हो बहन, लेकिन इसमें न हमारा दोष है न कानून का। यकीन मानो, अगर तुम्हारे पति की जगह हमारा बेटा भी कातिल बनकर अदालत में खड़ा होता तो हम उसे भी उतनी ही कड़ी सजा देते जितनी तुम्हारे पति को दी है। इंसानियत के नाते हम इतनी मदद तुम्हारी जरूर करना चाहेंगे कि तुम चाहो तो यहाँ रह जाओ ताकि कुछ काम कर सको। मैं अपनी चिंता लेकर नहीं आई हूँ, मैं अपनी जिंदगी का फैसला करके बच्चे को आपके पास लाई हूँ। हाँ जहर सिर्फ मैंने पिया है, ये मैं नहीं पिला सकती। जिन हाथों से कलम चलाकर आपने इसे अपने पाप से अलग किया। बधाई हो जज साहब, भगवान ने आपके बेटे को भाई दिया है। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ऑल राइट। A for apple, B for bat, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for gun, H for hurt, I for inkpot, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. ये क्या किया तुमने सुरेश? अरे ये क्या किया तुमने?
खुद नहीं पढ़ता दूसरे को भी नहीं पढ़ने देता। अरे क्या हो गया सुरेश को, क्यों रो रहा है? देखो इसने राजू की किताब फाड़ दी। तो क्या हो गया? नई किताब आ जाएगी, चल बेटे अंदर। देखो कांता। डैडी। राजू मैं तुम्हें कल नई किताब ला के दूंगा। अच्छा। गुड मॉर्निंग जेस साहब। मॉर्निंग। आपकी पत्नी इस रूम में। हेलो मम्मी। देखिए भगवान ने हमें दूसरा भी बेटा ही दिया है। दूसरा नहीं तीसरा, यह सब राजू के शुभ चरणों का फल है। अब तो जी भर गया, या और भी औलाद चाहिए? बस अब तो भगवान उसे औलाद दे जिसका घर सूना है। डैडी इसका नाम क्या रखेंगे आप? नाम क्या पूछ रहा है राजू? राजू का नाम आपने रखा था, अब इस छोटे का नाम भी आप ही रखिए। मुझे तो बस अपने लाडले का नाम ही अच्छा लगता है, सुरेश। योर ऑनर, इस शहर के सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल फर्म की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी का गर्व हासिल होते हुए भी मैं ये बात भूला नहीं हूं कि बड़े लोग निर्दयी, कठोर और गरीबों की जिंदगी से खेलने वाले बेशर्म किस्म के धनवान लोग होते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे क्लाइंट ऐसे नहीं हैं। वो अपने फैक्ट्री के मजदूर के साथ पूरा पूरा इंसाफ करना चाहेंगे। योर ऑनर, इस अदालत के फैसले के बाद इस गरीब मजदूर को यकीन हो जाए कि इसे कानूनन जो मिलेगा उसके बाद इसे हक तलफी की शिकायत नहीं रहेगी। पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये मुकदमा इस अदालत में इसलिए आया है क्योंकि इस मजदूर के साथ हक तलफी हो रही थी और इसने मजबूर होकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसके लिए शायद इस गरीब को अपनी बीवी के जेवर और अपने घर के बर्तन तक बेचने पड़े हों। I agree with the public prosecutor, Your Honor. Objection recorded. Proceed, Mr. Sinha. Thank you, Your Honor. Mr. Prasad. जी। आपका कहना है कि आपका हाथ मशीन के नीचे मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से आया। जी हाँ। और आपका हाथ, मेरा मतलब है एक मजदूर का हाथ उसकी जिंदगी होती है। जी हाँ जरूर। तो मिस्टर प्रसाद, आप अदालत को बताएंगे कि इस वक्त आपका हाथ कितना ऊपर आने के लायक रह गया है? जी इतना। और ऊपर लेने की कोशिश कीजिए। बस अब इससे ऊपर नहीं उठता। लेकिन मिस्टर प्रसाद, एक्सीडेंट से पहले भी तो आपका हाथ इतना ही ऊपर आता था। जी नहीं, एक्सीडेंट से पहले तो मेरा हाथ पूरा ऊपर उठता था। आप झूठ बोले मिस्टर प्रसाद। मैं सच कह रहा हूं साहब, एक्सीडेंट से पहले मेरा हाथ पूरा ऊपर उठता था। और मैं कहता हूं कि एक्सीडेंट से पहले आपका हाथ ऊपर नहीं उठता था। उठता था। कितना उठता था? इतना उठता था। मिस्टर प्रसाद को हिरासत में ले लिया जाए। मुबारक हो। मुबारक हो मिस्टर सिन्हा। केस तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने होशियारी से इसे सॉल्व कर ही लिया। हाँ वो तो, एक्सक्यूज मी। ओ आई सी। सी यू टुमारो। सी यू। सॉरी शिखा, इस बार भी तुम हार गई। तो आइए आपकी जीत पर आपको कहीं अच्छा सा लंच खिलाऊं। कहाँ खाएंगे? वही अपने कॉन्टिनेंटल में, वही वेजिटेरियन थाली, पापड़ और अचार के साथ पेट भर के। कम ऑन। कमिश्नर साहब दीपक के बारे में क्या बता रहे? सिर्फ बता ही नहीं रहे थे बल्कि तारीफ कर रहे थे। डैडी कह रहे थे कि एक दिन पुलिस का बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। ऑफिसर? तुम्हारे डैडी की वजह से पुलिस में नौकरी मिली है, यही बहुत है। ऐसा क्यों कह रहे हो? अब तो डैडी ने उसे जुहू एरिया में ट्रांसफर कर दिया है। चोर, चोर! पकड़ो कोई चोर को! रामजादे, मालूम क्या तेरे बाप का एरिया है? निकल। क्या है तेरे मुंह में? डांट नहीं, डांट गिरा दूंगा झापड़ लगा के। अच्छे अच्छे के ताले खोल दिए इन उंगलियों ने। देखा कैसे खट से खुल गया। आ जा।
आ गया साहब 111 आ गया, क्या लफड़ा क्या है? तुम किधर था 111? साहब मैं इसके पीछे भाग गया था, आपने देखा नहीं? आप मेरे बाजू बोलता है, लड़की को देख रहा है। हाँ। देखा, चोर होके भी सच बोलता है। थोड़ी हमेशा सच बोलता है, अच्छा चोर ना, सच्चा चोर। इस हरीश चंद्र की औलाद को चौकी लेके चल, मैं लड़की को देख कर आता हूँ। चलो ये लड़की को देख कर आता हूँ। अरे थाने चल, चल पकड़ डीली, पकड़ डीली, एकदम डीली। ये रहा आपका हार। अरे नीतू तुम? हाँ मैं दीपक, बाय द वे सब इंस्पेक्टर दीपक नाउ। अरे वाह, पुलिस में तुम्हारे जैसे कॉलेज के लफंगे भी भर्ती हो जाते हैं। हाँ अब समझ में आ गया बॉम्बे में इतना क्राइम क्यों बढ़ गया है। मजाक छोड़ो नीतू, पहले ये बताओ कि तुम 2 साल तक कहाँ गायब रही? मैं तो समझी थी कि 2 साल में तुम मेरा नाम भी भूल गए होगे। अच्छा लाओ मेरा नेकलेस दे दो। ऐसे नहीं, ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ये तो तुम्हें पुलिस स्टेशन आकर ही क्लेम करनी होगी। अपना एड्रेस लिखा कर। इस गलत फहमी से निकल जाओ दीपक, उस चोर की तरह तुम भी धोखा खा रहे हो। ये तो एक मामूली नेकलेस है, एकदम नकली, सिर्फ 50 रुपए का। क्या? हाँ और वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। टैक्सी। अरे सुनो तो नीतू, अरे हार असली हो या नकली हो, चोरी तो चोरी है। देखो नीतू, तुम तो पढ़ी लिखी हो और क्राइम की रिपोर्ट ना करना भी बहुत बड़ा जुर्म है। मैं एक मामूली नेकलेस के लिए अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। बाय द वे ये एक अच्छी शहरी का एटीट्यूड नहीं है। ओके ओके मिस्टर दीपक, बाय द वे कौन से पुलिस स्टेशन जाना होगा? जुहू पुलिस स्टेशन। ठीक है, जब फुर्सत होगी आ जाऊंगी। मगर कब? जब तुम ड्यूटी पर नहीं होगे। ओके ओके। ए तू पकड़ ढीली कर, पकड़ ढीली कर और अपने से आराम से बात कर, समझा ना? ए लफड़ा नहीं मंगता है, समझा ना? एक तो चोर ऊपर से शोर। ए तेरी हवालदार, आप उनको चोर नहीं बोलने का, आप उनके साथ इज्जत से बात करते हैं। तुम कोर्ट में जाके आप उन पे लगाया आरोप कानून से साबित नहीं करेंगे ना, तब तक आप उनको चोर नहीं बोलने का। मुलजिम बोलो, आरोपी बोलो, चोर नहीं बोलने का। छोड़ दिया ना हाई शब्द। तू तो बहुत पहुंचेला शिकेला आदमी है रे। अरे सीखेला आदमी है इसलिए अपने यूनियन का सेक्रेटरी बन गया, नहीं तो हवालदार नहीं बनता कि तेरे जैसा। क्या चोर लोग का यूनियन है? क्या क्या अनपढ़ जैसा बात करता है? अरे फकीर लोगों का यूनियन हो सकता है और अपने जैसे लोगों का यूनियन नहीं हो सकता है क्या? अरे तू तो मेरे वास्ते लॉटरी का टिकट है रे, फिर तो मैं तेरे मेंबर लोग का एड्रेस लेके बंबई के अखा चोर लोग को पकड़ सकता हूँ। अरे शबाश हवालदार, इसीलिए तो हवालदारी रह गया, लेकिन प्रमोशन की चांसेस है तेरे को, है ना? बात है ना इसकी? अरे मगर तू मेरे को एड्रेस देगा ना? अखा लिस्ट का जेराक्स कॉपी निकाल के देगा। देखो चोर भाई, क्या है कि जब से मेरा ट्रांसफर हुआ है ना, तब से 4 साल में मैं एक केस भी नहीं पकड़ा। अच्छा, तुम्हारा लिस्ट का जेरोक्स कॉपी मिलेगा तो मैं हवलदार से जमादार बनेगा। जमादार? जमादार से सब इंस्पेक्टर बनेगा। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनेगा। इंस्पेक्टर? अरे इंस्पेक्टर से कमिश्नर बनेगा, लेकिन पकड़ ढीली कर। गर्दन जा रहे मेरी। हवलदार? क्या वो हवलदार? अरे तू कट्टी कर लेगा तो मेरे प्रमोशन का क्या होगा? अरे कट्टी की बात नहीं है भाई, मैंने मैं हाथ में लॉटरी का टिकट कैसे छोड़ देगा? अरे क्या करता है, मैं तो लिस्ट का पूरा दे रहा हूँ, उसको भी देने को तैयार है और तू? नहीं मगर मेरे को तेरे पे डाउट होता है ना। डाउट होता है? हाँ। तेरे ठहर। ये देख। ये क्या है? अरे अपने लोग को रखना पड़ता है, धंधे का बात है ना। काय को? हाथ पे बांधे मेरे। अरे वाह, अरे बहुत, ये तो रेडीमेड है, हाथ रखना पड़ता है। अब चल। अरे ये ले। पागल है, पतंग उड़ा रहा है। बाय बाय बाय। क्या नेकलेस चोर लेकर भाग गया? हाँ। फिर क्या, इत्तेफाक से एक पुलिस इंस्पेक्टर आ गया और चोर को पकड़कर हार वापस ले लिया।
और जानती हो दीदी, वो पुलिस इंस्पेक्टर मेरे कॉलेज का दोस्त निकला। मगर वो नेकलेस कहाँ है? वो कहने लगा कि अगर नेकलेस चाहिए तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। मैंने कहा जाने दो, 50 रुपए का ही तो है। तुम्हीं ने तो कहा था ना दीदी। हाँ 50 का ही है। इतनी सोच में क्यों पड़ गई दीदी? अरे कुछ नहीं, मैं उसी इंस्पेक्टर के बारे में सोचने लगी थी जिसके बारे में तो इतने खुश होकर बातें कर रही थी। कहाँ रहता है? क्या नाम है? नाम तो दीपक है, रहता कहाँ है मालूम नहीं, मगर ड्यूटी जुहू पुलिस स्टेशन पे करता है। अच्छा, और वो तुम्हारा कॉलेज का फ्रेंड? ओ दीदी मैं समझ गई, जो तुम सोच रही हो वैसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो मुझे तुम्हारे बारे में सोचना है। पहले तुम्हारी शादी होगी फिर मेरी। नहीं, मैं बड़ी हूँ, मेरा फर्ज है कि पहले तुम्हारे हाथ पीले कर दो। मेरा भी कुछ फर्ज है, तुमने मुझे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया। मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरे माँ बाप नहीं है। दीदी तुम कितनी महान हो, भगवान को कभी देखा नहीं लेकिन शायद उनका यही रूप हो। नहीं नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ। तुम्हारा मुकाम एक देवी का है मेरी नजर में। नहीं नीतू, इंसान कभी देवी देवता नहीं बन सकते। देवी देवता तो हर बुराई से पवित्र हैं और इंसान गलतियों का पुतला। तुम जो भी समझो लेकिन मेरी यही श्रद्धा है। तुम बहुत थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। अच्छा क्या बात है 111? साहब बाहर कोई लफड़ा है। लफड़ा नहीं साहब, कोई लड़की है बोलती है आपसे ही मिलने का है। कोई नेकलेस का लफड़ा बोलती है साहब। आने दे आने दे। अब ये लफड़ा क्या है? अच्छा लफड़ा है। हाँ हाँ मालूम है तुम आई हो और नेकलेस लेने आई हो। बाय द वे तुमने कल भी यही परफ्यूम लगाई थी है ना? अरे हम पुलिस वालों की नाक बहुत सेंसिटिव होती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारी फाइल देखता हूँ। मगर कमाल है, तुम्हें ये कैसे पता चला कि आज मैं मॉर्निंग ड्यूटी में हूँ? फिर तो तुम्हारे यहाँ आने का मतलब यही है कि तुम 50 रुपए के नेकलेस के लिए नहीं बल्कि इस खाकसर के लिए आई हो। और आओगी कैसे नहीं? अरे हम पुलिस वालों के इश्क में बहुत कशिश होती है। पुलिस वाले ऐसी भी बात करते हैं पुलिस स्टेशन में? आप पाई थी फिर मैं समझा कि वो ये नीतू आई है, मगर मैं उसकी बड़ी बहन प्रेमा हूँ। ओह आई एम वेरी सॉरी। लाइए मुझे नेकलेस दे दीजिए। लेकिन वो तो नहीं दे सकता मैं आपको। क्यों? कानून ऐसा है, चोरी का माल उसी को देना पड़ता है जो उसका असली मालिक हो। अच्छा अगर वो ना आना चाहे तो? देखिए नेकलेस लेने के लिए तो यही आना पड़ेगा। वैसे वो ना आना चाहे तो आप उन्हें साथ ले आइएगा। आई एम सॉरी क्या करूं, बाय द वे कानून कानून है। ठीक है बाय द वे आप अपना पता दे दीजिए, मैं कोशिश करूंगा। रहने दीजिए अपनी कोशिश, नहीं तो खुद आकर ले जाएगी। एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस कहाँ है? बाबू ले संभाल अपनी महबूबा को, देखता हूँ साली कैसे दगाबाजी करती है तेरे साथ। आई से शट अप, खबरदार जो मुझे गाली दी। ए अभी तो गाली दी है,
ज्यादा नाटक किया ना तो ऐसी मार दूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। आंखें मेरे यार से मिलाती है और शादी के सपने अपने यार को दिखाती है। पहले तूने इसके साथ प्यार का नाटक किया, अब इसकी नौकरी चली गई तो एक पैसे वाले बकरे को फंसा लिया है। How dare you? अरे चुप! मगर ये साला तुझ जैसी हरजाई के लिए अपनी जान देने की बातें कर रहा था। तू आती है लाइन पे के सब मिलके तेरा नाश्ता करें। हाँ अरे सुरेश तू क्या कर रहा है यार, ये वो लड़की नहीं है। हाँ अरे तूने ही तो कहा था एक घंटे पहले वो सफेद फ्रॉक पहने नई सड़क की तरफ, वहीं से तो उठा के लेके आया हूँ। कहा था लेकिन ये वो नहीं है, तो किसी भलतेज को ले आया यार। जाओ फिर जाओ और किसी को उठा लाओ वहां से। एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया गुंडे तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। देखिए मैडम हम लोग गुंडे नहीं है, गलत फहमी में मैंने आपको। लेकिन मैं इस गलत फहमी की सजा दिलवा के ही रहूंगी, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। सुनिए 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 पुलिस पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है, चलिए मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। मैं तुम जैसे सड़क छाप गुंडे के साथ चलूंगी? I say get lost। यार तू जो कुछ करेगा उल्टा ही करेगा, यू नो इस किडनैपिंग केस। एक दिन तेरी हरकतों से हम सब मर जाएंगे यार। पहले मैं ने एक नाम दिया था गुंडा। सॉरी मगर घर वाले आपको किस नाम से पुकारते हैं? घर वाले सरफिरा। ठीक ही तो कहते हैं। थैंक यू। Thank you.
पंछी। तुमसे मतलब? यहाँ क्यों आए हो? रॉकी बेमतलब ना तो कहीं पे आता है और ना ही सवाल करता है। वो नगीना था कौन? शट अप। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जगह अगर दूसरा तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल दे तो बात कुछ पर्सनल नहीं रहती मिस प्रेमा। वैसे मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि बली सेठ ने तुम्हें बुलाया है। बली सेठ ने? इस वक्त? सबके वक्त की घड़ी की सुइयां मेरे हाथ में होती हैं और चाबी बली सेठ के। चलो, एक घंटे के बाद मैं खुद आ जाऊंगी और आइंदा इस तरह मेरे घर ये बात मैं बली सेठ से ही कर लूंगी। प्रेमा, ऐसी भी क्या बेरुखी है कि अंगारा बनी हुई हो? अभी वो था तो फूल की तरह खिली हुई थी। तुम्हारे हाथ में वो कांटे की तरह क्यों चुभ रहा है? मालिक, मालिक, मेरे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। अरे क्या हाल बना रखा है माधो, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ ये पूछिए हुजूर। आज सुरेश भैया ने मेरी दुकान पर मेरे ग्राहकों के सामने मेरी लाखों की इज्जत पर कतर कतर कैंची चला दी। सुना आपने? वो दीवाना है, जोलजेगा, जरूर कोई कारण हुआ होगा। बड़ा मामूली सा कारण था। आज सोमवार के दिन मैंने उन्हें कपड़े देने का वादा किया था, कारीगरों की स्ट्राइक की वजह से नहीं दे सका। इस बात पर गुस्सा आया, मुझे बहुत मारा, मेरे कपड़े चिंदी चिंदी कर दिए। मेरे ग्राहकों के नए कपड़े पुराने कागज की टुकड़ों की तरह इधर उधर फेंक दिए। कोई यहाँ, कोई वहाँ, कोई कहाँ। सुरेश, क्या हो? डैडी ये दो महीने से सोमवार सोमवार कर रहा था। जब भी सोमवार को जाओ तो अगला सोमवार बता देता था। सुना? और तुमने कुंडों की तरह उसके कपड़े फाड़ दिए। कलमर आइलैंड पे किससे मारपीट हुई थी? डैडी वो लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। मैं पहले? तुम जरा चुप रहो कांता। वो लड़की तुम्हारे रिश्तेदार थी और मारपीट में उस लड़के के हाथ पैर टूट जाते तो? डैडी अगर मेरे हाथ पैर टूट जाते तो? इन्हें क्यों फिक्र होने लगी? तुम इसकी वकालत मत करो कांता, इसे समझाओ। इसके भाइयों की तरफ देखकर जितनी खुशी होती है, इसे देखकर उतनी ही शर्म आती है मुझे। डैडी तुम्हें फिर? तुमने कभी यह भी सोचा है कि तुम सिर्फ तुम नहीं हो, इस घर के एक मेंबर भी हो? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। जाओ अपने कमरे में और खबरदार जो मेरी इजाजत के बगैर इस घर से कदम बाहर रखा। जाओ। सर फिरा।